ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी ने यह शेर जब लिखा होगा तो उनके जहन में मोहब्बत इश्क के दौरान आने वाली चुनौतियां होंगी कि किस तरह से प्यार करने वालों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस पूरी शायरी को एक प्रेमी जोड़े ने बिल्कुल पलट कर रख दिया। इस प्रेमी जोड़े ने अपने मोहब्बत का फंडा कुछ और बनाया। इनकी मोहब्बत का फंडा था कि यह इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि शादी अगर करनी है तो भाग कर जाना। अब आप सोचते होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको पूरा वाकया बताते हैं। दरअसल मामला बिहार के रोहतास जिले का है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने अपनी शादी के लिए तमाम तरह से पापड़ बेले। प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करने के लिए घर से 4 बार भागी और अब जाकर उन दोनों की शादी हो पाई है। इस प्रेमी जोड़े की शादी के लिए रोहतास जिले का डेहरी स्थित महिला थाना विवाह स्थल के तौर पर परिवर्तित हो गया। आपको महिला थाना में शादी हुआ है, कितना संतुष्ट हैं आप? क्या कहेंगे महिला थाना? महिला थाना बहुत अच्छा काम आप लोग का कैसे संपर्क हुआ? कॉलेज में नहीं हुआ था। कहाँ पे? गांव से सब कॉलेज। फिर क्या हुआ? बातचीत चला और लड़के के माता पिता संतुष्ट हैं या नहीं? वो हमको नहीं मालूम, उसके भाई से मालूम। महिला थानाध्यक्ष की देखरेख में पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ इस प्रेमी जोड़े की शादी करवाई गई। प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया। इसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा और शादी संपन्न हो गई। दरअसल महिला थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी बता रही हैं कि यह मामला टंडवा गांव का है, जहां प्रेमी अभय कांत और पडुहार गांव की रहने वाली लड़की प्रियंका के बीच कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन लड़के और लड़की वाले का परिवार इस शादी के पक्ष में नहीं था। लड़की ने इसकी शिकायत महिला थाने में कराई। महिला थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी ने लड़की की शिकायत पर लड़के को थाने में बुलाया, जहां लड़के ने भी अपनी तरफ से शादी की सहमति जताई। दोनों की शादी की सहमति के बाद तत्काल थाना परिसर में ही शादी कराने का निर्णय लिया गया और इसके बाद हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक दोनों की विधिवत शादी संपन्न करा दी गई। लड़का और लड़की दोनों ही पक्ष से दोनों के भाई शादी के कार्यक्रम में मौजूद रहे। इससे पहले इन दोनों ने जब जब शादी की कोशिश की, तब तब घर वालों की मर्जी के आगे इनकी नहीं चल पाई और इसलिए लड़की बार बार अपने घर से भागती रही और ऐसा उसने 4 बार किया। चूंकि कई वर्षों से यह पूरा मामला चल रहा था, तो लड़की बार बार यह प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से अपने घर वालों को शादी के लिए राजी कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। और आखिरकार जब यह मामला थाने में पहुंचा, तब जाकर ही इन दोनों की शादी हो पाई। आनन फानन में शादी के सामान जुटाए गए, पंडित जी को बुलाया गया, महिला थाना अध्यक्ष और महिला सिपाहियों की मौजूदगी में प्रेमी प्रेमिका विवाह बंधन में बंधे। महिला थाना अध्यक्ष के मुताबिक लड़की की शिकायत के बाद ही कार्रवाई हुई और लड़का भी शादी के लिए तैयार हुआ, तब जाकर ये शादी कराई गई। अब दोनों पति पत्नी हैं और भविष्य में अपना जीवन एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं।